समस्या भी हमने ही क्रिएट की है और उसका समाधान भी हम ही कर सकते हैं। ये जो रिजर्वेशन प्रमोशन का जो एस्पेक्ट है जिसके ऊपर ज्यादा लोग चिंतित हैं, ये हमारे जो लोग हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में थे वो ऐसा समझते थे कि हम इसको डिस्टर्ब करके फिर ठीक करा के हम अपनी ग्लोरिफिकेशन कर लेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो उस वजह से ये 3-4-5 वर्ग जो आए तो वो हम इसी प्रक्रिया में आए और उसके बाद एक आंदोलन चला बहुत बड़े पैमाने पे। पहले आंदोलन के बाद जब दोबारा एक मीटिंग हो रही थी तो उसमें हमने कहा भाई जो ओआरएम आए उनकी कॉपी दे दो आप, जो हमारे लोग आंदोलन चला रहे थे सीनियरिटी के केसेस क्योंकि हम कर रहे थे तो 30 जनवरी 1997 का ओआरएम हमारे पास था, लेकिन जो लोग आंदोलन चला रहे थे उनके पास कोई ओआरएम नहीं। तो क्योंकि अगर हम समझदार नहीं होंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उसका समाधान नहीं कर सकते। हमारी समस्या ये है कि सब कुछ आर्टिफिशियल है, प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है वो भी आर्टिफिशियल है, उसका जो सॉल्यूशन किया जाता है वो भी आर्टिफिशियल है। अब रोहतास बांधकर के 2014 में आए और 1996 के एग्जाम से इनको 97 में सेक्शन अफसर होना चाहिए। 97 में ना होके वो 2014 में उसका बेनिफिट मिला। हालांकि जैसे उस समय में 5-6-7 लोग जो एक्टिविस्ट थे तो मैंने कहा भाई कोई एसोसिएशन बनाओ, उसके बगैर काम नहीं चलेगा क्योंकि इंडिविजुअली ज्यादा टाइम तक आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये एसोसिएशन सेंट्रल सेक्रेट SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन इन्होंने बनाई और इस एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया और इतने साल से ये बड़ी लगन से काम कर रही है। अब उसके बाद दूसरा फेज आता है जो नागराज का जजमेंट हुआ। नागराज के जजमेंट के टाइम गलती से पार्लियामेंट ने 10-11 MP एक्सपेल कर दी और वो जो MP थे उनमें से एक MP BSP का MP था जो मेरे पास आ गया, क्योंकि जो आपका ये सागर सूरी का जो होटल है उसमें IDBI वालों ने कोई कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मुझे और सूरज मानजी को उन्होंने बुलाया था, इस वजह से हमारी इंटरेक्शन थी। तो वो और भी 2-3 जगह उन्होंने बात किया बट अल्टीमेटली वो मेरा क्लाइंट हो गया राजा राम पाल। जब वो हमारे पास आया था हमने 10-12 दिन में उसकी बहुत अच्छी पिटीशन बनाई और उसके बाद चीफ जस्टिस होते थे सबरवाल, तो सबरवाल साहब जो है वो उसकी ड्राफ्टिंग से प्रभावित हुए जिसकी वजह से ये नागराज का जो केस है उसमें हमें आर्गू करने का मौका मिला। अगर वो केस हमारे पास नहीं होता तो हमें आर्गू करने का मौका नहीं मिलता और शायद ये चारों अमेंडमेंट इनवैलिड हो जाते, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो जाते उस टाइम। तो एक उसमें अपने मेंबर थे उस बेंच में तो उन्होंने कहा कि एक जज ने कहा भाई को हमने एक अमेरिका का जजमेंट ढूंढा, 2-3 जजमेंट थे, एक विमेंस के बारे में, एक ब्लैक्स के बारे में, प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में, 3-4 तरह के जजमेंट थे वहां बेनिफिट के लिए। तो वो जो जजमेंट हमने ढूंढा तो उसके बाद हमने जब 6 उन्होंने कहा पेटिशनर के वकील आर्गू करेंगे, मतलब जनरल कैटेगरी वाले 6 करेंगे और 6 रिस्पोंडेंट करेंगे, तो नॉर्मली गवर्नमेंट के ही एडवोकेट थे, उसमें कोई हमारा वकील नहीं था। तो जब वो 6th आदमी आर्गू कर रहा था तो मेरे कहा माय लॉर्ड आई वांट टू आस्क यू फॉर सम टाइम, तो चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कहा व्हाट इज न्यू इन योर आर्गुमेंट, आपके पास नया क्या है। तो मैंने कहा माय लॉर्ड देयर इज अ सिमिलर सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे गिव दिस टाइप ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यू मीन दे हैव कोटा। मैंने कहा यस माय लॉर्ड, देन वी विल गिव यू सम टाइम। तब वो हमारी हियरिंग में हमें मौका मिला नहीं तो हमें मौका भी नहीं मिलता और ये शायद तभी अल्ट्रा वायरस होता। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ये हो गया था तो हमारे लोगों ने पाराशरण को वकील एंगेज किया हुआ था, के पाराशरण जो अटोर्नी जनरल रहा, तो वो ओपन कोर्ट में तो उसने सही आर्गू किया
लेकिन बाद में वो इंटरनल सिस्टम में उसने मैनिपुलेट करके ये रिजर्वेशन जो मंडल में कहा था कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है उसको डिस्क्रिशन बना दिया। अब वो वाला कंसेप्ट आज भी ठीक नहीं हुआ, जरनैल सिंह में भी वो कंसेप्ट ठीक नहीं हुआ है। अब उसके उसमें उधेड़बुन में हम लगे हैं, शायद वो ठीक हो भी जाए क्योंकि हर चीज का एक पैरामीटर पे काम होता है और जो इंडिविजुअल केसेज होते हैं उसमें तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे लोग क्या है कि 10-15 केस फाइल कर देते हैं और सारे ही अनपढ़ वकील होते हैं, मतलब ये अलग तरह की भाषा है लेकिन ये एक्चुअल फैक्ट है, उनको कोई नॉलेज नहीं होती है और जब नॉलेज नहीं होती तो नेचुरली वो कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, तो वो 5 आदमी पहले वो सीनियर एंगेज कर देते हैं और फिर वो अल्टीमेटली कोई इशू के ऊपर डिबेट ही नहीं होता। उसके बाद सेकेंड फेज में जो भारत बहुजन समाज पार्टी ने जो रिजर्वेशन प्रमोशन को डिस्टर्ब किया 2012 में उसकी वजह से पूरा सिस्टम रिजर्वेशन का चल रहा है और उन्होंने क्या है कि वो ब्राह्मणिकल लोगों को ही रिजर्वेशन वालों के केस दे दिए, उन्हीं को जनरल कैटेगरी वाले दे दिए, उन्हीं को गवर्नमेंट को दे दिए, जिसकी वजह से पूरे देश में रिजर्वेशन जो है वो आज भी इफेक्टिवली लागू नहीं हो पा रहा है। ये एक विडंबना है, हम लोगों ने वो पार्टी बनाई थी इसलिए वो हमारा फायदा करेगी, लेकिन वो जो है ब्राह्मणिकल लोगों के कंट्रोल में आ गई जिसकी वजह से उससे हमारे फायदे के बजाय नुकसान हो गया। ये एक संदर्भ है जिसको हमें समझना चाहिए और अगर हम नहीं समझेंगे तो शायद बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। अब उसका दूसरा जो पहलू है उसको देखिए, रोहतास बांसठ का केस पहले 2 जज में लगा, दो हमने 3 जज का एक जजमेंट था तो उसको कहा कि हरिदास परसेत या कुछ नाम था मध्य प्रदेश का, उसमें 10% रिलैक्सेशन दिया हुआ था, 2000 का जजमेंट था तो जस्टिस मजमूदार की 3 जज की बेंच का वो जजमेंट था, तो वो जब मैंने उसको दिया तो जगन्नाथ राव और वधवा की बेंच थी उन्होंने इसको 3 जज में भेज दिया, फिर उसके बाद 3 जज में वो जज भी रहे और कृपाल साहब आ गए तो उन्होंने इसको 5 जज में भेज दिया, ये ऐसे करके 5 जज में गया। बाद में इसके ऊपर आर्ग्यू हुआ तो कहने लगे कि ये जब नागराज डिसाइड होगा तब ये डिसाइड होगा, उसके बाद नागराज की पिटिशन कैसे डिस्पोज हुई वो रोहतास भी जानता है, मैं भी जानता हूँ क्योंकि इन्होंने जो हमारे मजूमदार ऐसे मैनेज करके कैसे वो लगवाए, नहीं तो वो मैटर लगने ही नहीं दे रहे थे उनको, एक्चुअल रीच नहीं कर रहे थे। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये सारा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी दखल नहीं होगी तब तक हम इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है इसका ओरिएंटेशन पॉलिटिकल है, वो देना कुछ नहीं चाहते पर खत्म भी नहीं करना चाहते। अब जैसे एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, अभी जजमेंट आया कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं लगाया जा सकता, सोशल बैकवर्डनेस नहीं देखी जा सकती, मतलब क्रीमी लेयर नहीं लग सकती, लेकिन सारे न्यूज़पेपर में आया कि क्रीमी लेयर लगा दिया है, तो जो आदमी जजमेंट नहीं पढ़ रहा है जिसको नॉलेज नहीं है वो तो अखबार पढ़ रहा है और अखबार पढ़ के वो डिसाइड कर रहा है कि क्रीमी लेयर लग गया है, तो जब उसके पास फाइल आएगी तो वो क्रीमी लेयर को लगाने की बात करेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है क्यों है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो संस्थाएं चलाते हैं वो कोई न्यूज लेटर भी नहीं निकालते, जो इतनी बड़ी पार्टी चलती है उस पार्टी का कोई न्यूज लेटर नहीं, ये जो सारा सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस तरह के सिस्टम में हम लोगों ने काम किया उसकी वजह से सारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। अब इसको दूसरी तरह अगर देखें तो जनरल वैकेंसी जो है कोई जनरल वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी या तो रिजर्व होगी या अनरिजर्व होगी, अगर अनरिजर्व वैकेंसी है और जनरल पैरामीटर की कंडीशंस को अनरिजर्व पैरामीटर की कंडीशन को आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको अनरिजर्व वैकेंसी के हिसाब से कंसीडर करना चाहिए और आपको वैकेंसी मिलनी चाहिए। अभी BSNL में कुछ 4000 प्रमोशन हुए, 4000 प्रमोशन होने के बाद वो BSNL में जो दूसरे जो पुट है वो ज्यादा हावी हो गए और उसके बाद हमारा ही कोई MP है उसने उनके खिलाफ चिट्ठी लिख दी, उसकी वजह से आगे जो प्रमोशन हुए उनमें उन्होंने अनरिजर्व वैकेंसी के खिलाफ SC ST को नहीं कंसीडर किया। तो जो जिन लोगों का काम है उनको प्रोटेक्ट करना और जो सोकॉल्ड कन्फेडरेशन और बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं वो उसके खिलाफ कितने बड़े पैमाने पे काम करते हैं
ये समझने वाली चीज है, जिसको अगर हम नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अब अनरिजर्व वैकेंसी क्या है? अनरिजर्व वैकेंसी कोई वैकेंसी है वो आ जाती है, मान लो मैं शेड्यूल कास्ट हूं, मैं उसके लिए अप्लाई करता हूं, तो उसमें 60% मार्क्स चाहिए, 5 साल में होना चाहिए, वो सेक्शन अफसर है तो वो अंडर सेक्रेटरी बन सकता है। अगर ऐसा सिस्टम है, मान लो वो पैरामीटर में ACR मान लो गुड होनी चाहिए, वेरी गुड होनी चाहिए, जो भी बेंचमार्क है वो गुड है या वेरी गुड है, उसके हिसाब से उसकी कंसीडरेशन होगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उस कंसीडरेशन में अगर एक जनरल कैंडिडेट और मैं दोनों सेम पैरामीटर पे सिमिलरली प्लेस्ड है, और मान लो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है, या मेरी ACR उससे बेटर है, या कोई और पैरामीटर पे मैं उससे बेटर प्लेस्ड हूँ, तो मुझे वो वैकेंसी मिलनी चाहिए। लेकिन वो वैकेंसी प्रेजेंट सिस्टम में नहीं मिल रही है, क्योंकि 30/9/2016 को जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला DOPT ने, उस ऑफिस मेमोरेंडम का कोई बेसिस नहीं था। सॉलिसिटर रंजीत कुमार उस केस में अपीयर होता है, सॉलिसिटर रंजीत कुमार ने लेटर लिखा कि अब हम उस केस में उस टाइम नहीं थे, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उसमें ऐसी कोई इंसिडेंट हुई। ये कोर्ट ने चलमेश्वर साहब की बहन थी, जो चलमेश्वर साहब उस तरह का कभी व्यवहार नहीं करते, कि कोर्ट ने कहा है कि अनरिजर्व वैकेंसी पे कंसीडर नहीं करना चाहिए, और उन्होंने DOPT सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा, जिसकी वजह से 30 सितंबर 2016 का ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ। तो उसके खिलाफ हमने लीगल नोटिस दिया, और रोहतास ने और यशपाल ने उसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली काम किया, जिसकी वजह से वो जो पूरा प्रोसेस है वो स्टैंड स्टिल रहा, और उसके बावजूद वो प्रमोशन नहीं कर पाए। ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर इसको हम देखेंगे, रिजर्व वैकेंसी और अनरिजर्व वैकेंसी पे वो हमारा आदमी नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि जब अनरिजर्व पे हमारा आदमी चला जाता है तो हमारी परसेंटेज वो ऐसा समझते हैं ज्यादा हो जाती है। जब रोस्टर पॉइंट मान लो 200 पॉइंट रोस्टर है, उस रोस्टर पॉइंट में पहले तो वो हमारी रिजर्वेशन नहीं है, पहले तो वो जनरल कैटेगरी की रिजर्वेशन है, क्योंकि पहले जनरल कैटेगरी की वैकेंसी फिलअप होंगी तब हमारा नंबर आएगा। जो पुराना जो रोस्टर था उसके हिसाब से जो हमारे जो लोग हैं उनकी रिजर्वेशन थी, अब ये रिजर्वेशन क्योंकि हमें प्राथमिकता थी तो हमारी रिजर्वेशन थी, आज ये प्राथमिकता जनरल कैंडिडेट की है, अनरिजर्व कैंडिडेट की है, तो इसलिए अब उनके लिए रिजर्वेशन हो गई। और वो जो रिजर्वेशन है टोटली कास्ट बेस्ड है, क्योंकि वो जो 10-12% जो लोग है, मंडल का जो जजमेंट है उसमें जस्टिस पांडियन ने उस फिगर को स्पेसिफाई किया, और जस्टिस पांडियन ने कहा 5.50% ब्राह्मण है भूमिहार को मिला के, 3.90% क्षत्रिय है, और 1.88% वैश्य है। अब ये जो संख्या है ये तकरीबन 11-12% बनती है। अगर 11-12% को 50% देना है तो ये रिजर्वेशन हमारी नहीं हुई, रिजर्वेशन तो उनकी हो गई। और हमारे लोग बड़े पैमाने पे क्रीमी लेयर के समर्थन में, मुझे लगता है मैं जैसे बात करता हूँ, बहुत लोग कहते नहीं लग जाने चाहिए, भाई क्रीमी लेयर जब लग जाएगा तुम्हें तो कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, जो ये कास्ट बेस है तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके लिए क्रीमी लेयर बेस हो जाएगा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे हो जाएगा, आपको तो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए कितने बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम्स है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में शिवसेना का राइज हुआ, केवल मराठी मानुष करके एक कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया, जिसके तहत उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कहा कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वाले को मिलनी चाहिए रिजर्वेशन, तो वहां एक कास्ट वैलिडिटी कंसेप्ट डेवलप किया उन्होंने। उस कंसेप्ट के तहत वाइफ तो शेड्यूल कास्ट है उसी कास्ट की, और हस्बैंड जो है वो नहीं है। एक ऐसे 5-6 एग्जांपल है, एक वाइफ जो है वो उसको कहते हैं नहीं ये शेड्यूल कास्ट नहीं है या शेड्यूल ट्राइब नहीं है, दूसरे को हस्बैंड को कहते हैं ये वही कास्ट है। तो ये जो पूरा सिस्टम डेवलप किया, इससे हमारे लोग जो है वो डे टू डे बहुत बड़े पैमाने पे सफर कर रहे हैं। इसलिए जो कास्ट वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन करने की जरूरत है।
मैं ऐसा समझता हूँ कि जो SC ST प्रिवेंशन ऑफ मेट्रो सिटी एक्ट है ये बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस जो है उसमें भी उसी तरह की सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, और अगर उनमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन है तो उनको भी उसकी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इसी तरह रिजर्वेशन प्रमोशन अगर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की है तो वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन प्रमोशन होनी चाहिए, दोनों सेम ही पैरामीटर पे रहेंगे। अगर क्रीमी लेयर उन पे लगा तो क्रीमी लेयर इन पे भी लगना चाहिए, मैं ऐसा भी मानता हूँ, क्योंकि उनकी कंडीशन में कोई अंतर नहीं है। अब उसका एक्सप्लेनेशन मैं करने की कोशिश करता हूँ। सोशल आइडेंटिटी क्या है? मैं शेड्यूल का तो मेरे बारे में कास्ट हेट्रेड की वजह से एक पर्टिकुलर टाइप का माइंडसेट होगा। अब बाबू जगजीवन राम जो देश का उप प्रधानमंत्री था, 1978 में वो बनारस में जाता है संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने के लिए, मूर्ति का अनावरण करता है, उसके बाद उसको गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध और गंगा जल उससे मंत्र मंत्र मार के और उसको ठीक कर दिया। अब वो जगजीवन राम जो शेड्यूल कास्ट है उसके वहां जाने से तो वो अपवित्र होगी और गाय के गोबर और मूत्र से वो पवित्र होगी, तो ये क्या विडंबना है? किस तरह का समाज है हमारा? किस तरह के मतलब सोशल सिस्टम काम कर रहा है? चलो 1978 को बहुत लंबा टाइम हो गया। उसके बाद माता प्रसाद जी यहाँ सेक्रेटरी थे वाटर रिसोर्सेज में, और माता प्रसाद तकरीबन 2.25 साल सीनियर मोस्ट IAS अफसर है, तो माता प्रसाद जी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनना चाहिए था कायदे से। डॉक्टर आर के नायक एक IAS अफसर थे, उनके बैचमेट थे, उन्होंने कहा भाई वकील तुम केस करो इसके लिए। मैंने कहा साहब वकालतनामा करवा दो इसे साइन और केस कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं फिर ये जो है बनाएंगे नहीं। तो हमने अपने नाम से केस किया और उसमें उसकी एक्सटेंशन थी TSR सुब्रमण्यम, अभी 1.5 महीने पहले भरा है वो TSR सुब्रमण्यम को जो सेकंड एक्सटेंशन हुई थी उसको हमने पहले स्टे करवाया फिर क्वेश्चन करवाया, और उसके क्वेश्चन होने के बाद भी माता प्रसाद को कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनाया गया। BS चौहान साहब उस टाइम PMO में इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर या ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वो मुझे नहीं जानते थे। बाद में जैसे जैसे हमारा मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि भाई मैं ये शेड्यूल कास्ट है इसलिए मैं इसको कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना सकता। जो IAS ऑफिसर है जो पहले प्रोफेसर भी रहा है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर भी रहा था प्रसाद, और जिसकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रही, सबसे बड़े स्टेट का चीफ सेक्रेटरी रहा, सेक्रेटरी रहा, और उसने कोई ऐसा उसके खिलाफ वो नहीं था जिसकी वजह से उसको ना बनाया, केवल कास्ट की वजह से नहीं बना। अगर वो कास्ट की वजह से नहीं बना तो क्रीमी लेयर कैसे लगाओगे? क्योंकि जो आधार है डिप्राइव करने का वो आर्थिक नहीं है, अगर उसको देखा जाए तो उसको पे स्केल तो उसका भी सेम था, दूसरे आदमी की तरह सिमिलर पे मिलती होगी। तो ये जो आधार है इसका, ये आधार पूरा सामाजिक है डिस्क्रिमिनेशन का, इसलिए इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक भर्तृ प्रसाद नाम का जज था, वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बरेली था। जब उसको वहां से बदली किया गया तो उसका कोर्ट रूम और उसका जो रिटायरिंग रूम दो कमरे होते हैं उनको दोनों को उसी फार्मूले से प्यूरिफाई किया गया। तो वो चपरासी कोई अपना आदमी होगा, उसने फोन करके बताया भर्तृ प्रसाद को कि साहब ये जज साहब तो ऐसे ऐसे कर रहे, मतलब उसको प्यूरिफाई कर रहे, ये बताया उसको। तो भर्तृ प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जो है खंडन किया कि भाई ये जो है जातिवादी मानसिकता है, गलत। अब भर्तृ प्रसाद को तो सस्पेंड कर दिया कि तुमने प्रेस को क्यों एड्रेस किया, और वो आदमी 1.25 साल बाद हाईकोर्ट का जज बन गया। तो ये जो अगर देखे तो सेशन जज जो है उसको आपका जो सेक्रेटरी है उसके बराबर उसकी तनख्वाह होती है, और उसको पावर किसी की जान लेने तक की पावर है, तो पावर की भी कोई कमी नहीं है। तो अगर ये सामाजिक होता सिस्टम तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, अगर आर्थिक होता तो उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसका जो आधार है वो सामाजिक है, और अनटचेबिलिटी इसका बहुत बड़ा आधार है। अब उसके बाद 3-4 साल पहले जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री
Thank you.